हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी में जो इंटरव्यू चल रहा है उस और आज 14 नवंबर के दिन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है अंशधारियों के प्रति कंपनी सचिव का दायित्व कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है तो वो वैधानिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के डेट में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमर्स से भी हैं और मैथ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि अंशधारियों के प्रति कंपनी सचिव का दायित्व कैसा होता है, तो वैधानिक होता है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, वो एक कार्यालय एवं प्रबंध से संबंध रखने वाली कौन सी प्रणाली होती है। तो कार्यालय एवं प्रबंध, तो आप लोग जानते हैं कौन सी प्रणाली होती है, आप उससे आपका ऑफिस हो जाएगा तो वो कार्यालय से संबंधित होती है इस तरह से है? और एम से आपका प्रबंध मैनेजमेंट, एम से संबंध ये रखती है। तो ये आपका इसका आंसर जो होगा वो और एम प्रणाली। और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंतरिक अंकेक्षण क्या है। तो आंतरिक अंकेक्षण के बारे में बताना है, तो आंतरिक नियंत्रण का अंग ही आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। और इसके बाद देखिए, साथ ही साथ आप लोग लाइक करते चलिएगा मेरी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ देखिए पूछा गया है, वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम होती है। तो वस्तुओं में चाय की मांग की कीमत सबसे लोच होती है। और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है पूछा गया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक दो बार और भी पूछा गया है। और वैज्ञानिक प्रबंधक का पिता किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक प्रबंधक का पिता F.W. टेलर को कहा जाता है। और इसके बाद देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, और बैंक साख पत्र किसके पक्ष में निर्गमित करता है। तो बैंक साख पत्र ग्राहक के पक्ष में निर्गमित करता है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस रिपीटेड किए गए हैं मैंने उसे अपने वीडियो में एक बार जिस क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है उसे दोबारा दोहराया नहीं है, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए, सारे वीडियो देखिए। और सारे वीडियो देखने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, जिसकी संभावना मतलब कि आगे भी पूछे जाने की है, रिपीट किए जाने की है। तो इसलिए दोहराया जा सकता है, आप लोग वीडियो सारा वीडियो देखें। और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का जो वीडियो हुआ था, क्योंकि वही सब लोग हैं वीडियो इंटरव्यू ले रहे हैं जो पहले लिए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग को वहाँ से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार कौन नियंत्रित करता है। तो भारत में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार कौन नियंत्रित करता है, तो सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्राथमिक एवं द्वितीयक मार्केट को। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे। इसके बाद देखिए है, टीमिंग व लेडिंग शब्द का प्रयोग किस लिए होता है। तो टीमिंग एवं लेडिंग शब्द का प्रयोग रोकड़ के गबन के लिए किया जाता है। तो रोकड़ के गबन के लिए टीमिंग एवं लेडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, BEP क्या दर्शाता है। तो BEP न लाभ न ही हानि को दर्शाता है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही सिंगल लाइन में ही मैं आप लोगों का आंसर बता दे रहा हूँ। और अगर अब आप लोगों को डीपली अगर जानना है तो उसके लिए आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस का डीपली में बता सकता हूँ। और इसके बाद देखिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ज़्यादा डीपली में मैं अगर बताने लगूंगा तो, इसलिए मैं छोटा वीडियो ही बनाता हूँ ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी पहुँच जाए और इंटरव्यू के लिए एक करेक्ट आंसर ही काफ़ी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार क्यों किया जाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार लागतों में तुलनात्मक अंतर के लिए किया जाता है।
और इसके बाद देखिए है अगला क्वेश्चन है, वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। आप लोग जानते ही होंगे कि जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, देखिए अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। ये बंदा जो मुझे ये क्वेश्चन बताया है वो अलीगढ़ से ही रिलेटेड था, इसलिए उससे अलीगढ़ के बारे में ही पूछा गया था। और भी अलीगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैंने मुझे सिर्फ यही क्वेश्चन वो बताया था। मैंने और उससे जो भी बात पूछा तो वो और क्वेश्चन बताया, ये भी क्वेश्चन वो उसने बताया था। तो करीब 6-7 लड़के 8 लड़के लोग जो होते हैं उनसे मैं सिर्फ पूछता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, और इन सब के आंसर भी खोजने में समय लगता है, इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन लेता हूँ और कम ही वीडियो बनाता हूँ। और इसके बाद देखिए, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? घर में जो उपयोग किया जाता है चीनी, उसमें सुक्रोज पाया जाता है। और इसके बाद है, पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक चीज और पूछा गया है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, जिसे मैंने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राज्यपाल के बारे में मैंने एक बार पहले भी पूछा गया था, तो मैंने उसे पिछला वीडियो में ही बता दिया था कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन है, राम नाईक जी हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो इसी के बाद देखिए पूछ दिया गया था कि राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक है। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम धातु के बने होते हैं, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका गलनांक के बारे में आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। और सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये भी शायद एक बार पूछ दिया गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद पूछा गया है ये भी। और इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है पूछा हुआ, वो श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। और आप लोग मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आंसर तैयार जरूर कर रहे हैं, और राज्यपाल मुख्यमंत्री से संबंधित, क्योंकि हमेशा ये चीज़ पूछा ही जा रहा है, एक दो क्वेश्चंस कॉमन है जो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। और आगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद मैथ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क पर 75 सेकंड में पार कर लेता है, और उस आदमी की गति कितनी होगी? तो 75 सेकंड में पार कर लेता है तो उसकी स्पीड बतानी है, चाल बतानी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये आंसर सही है या गलत, और उसमें अगर कुछ गलत वगैरह होगा मैथ के क्वेश्चंस में तो आप लोग अपना सुझाव जरूर देंगे इसमें। और इसके बाद देखिए ये है पूछा गया, यदि कोई गाड़ी कुछ निश्चित दूरी मतलब कि 40 किलोमीटर पर घंटे की दर से तय करती है, और यदि वह दूरी लौटते वक्त 50 किमी पर घंटे की दर से तय करे तो गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है। मैंने सॉल्व किया था तो ये इतना आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, आप लोग सॉल्व करके जरूर बताइए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राम 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदता है, तो 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदता है, वो प्रत्येक खिलौना 33 रुपये में बेचता है, 33 रुपये में बेचता है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से ही बता सकते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ आप लोग बता दीजिए कि कितना होगा, 5.6% इसका लाभ लाभ हो जाएगा।
और इसके बाद देखिए है, यदि चार खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व मैंने किया है, 33.3% आ रहा है। तो आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि आप लोग का कितना आंसर आया, कितना परसेंटेज का आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सबको ये फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और आप लोग शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा नए इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर के साथ में। धन्यवाद।